ये जो रिले है ना, देखिए ये 4 पिन का रिले होता है दोस्तों। हम आपको निकाल के दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिए 4 पिन का रिले है दोस्तों, ठीक है। दो मोटा वाला देखिए ये पिन है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों मोटा वाला है। और दो ये साइड को दोस्तों देखिए ये पतला वाला पिन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये हम पहला इंस्टॉल कर देते हैं 4 पिन रिले, ठीक है। अब दोस्तों ये 4 वायर को बारे में समझना होगा दोस्तों, ठीक है। अगर बाई चांस 150 cc पल्सर बाइक में दोस्तों या 220 में अगर करेंट की प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो ये रिले चेक करना पड़ता है दोस्तों, सही है कि ख़राब है। उसके बाद दोस्तों ये 4 वायर भी चेक करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 वायरिंग किस काम के लिए आता है और कहां पर जाता है, अगर अच्छा तरह से आप समझ गए तो करेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हम दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे हम इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे तो इग्निशन स्विच ऑन करते ही दोस्तों 12 वोल्ट करेंट ये रिले में आ जाता है। तो ये वाला वायर में आता है, देखिए चकलेटी पे नीला लाइन बना हुआ है, जो इग्निशन स्विच ऑन करते ही ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है और ये रिले में इनपुट करंट घुस जाता है दोस्तों, ठीक है। बॉडी अर्थिंग भी घुसता है, यहाँ देखिए काला पे पीला लाइन बना हुआ है, बॉडी अर्थिंग ये रिले में इनपुट घुसता है। देखिए ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट घुस रहा है, ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग ये रिले में घुस रहा है दोस्तों, ठीक है। अब सवाल रहा दोस्तों, जैसे ही हम किल स्विच ऑन करेंगे तो किल स्विच ऑन करते ही दोस्तों ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है दोस्तों। देखिए ये वायर कहाँ से आ रहा है, तो किल स्विच से आ रहा है दोस्तों, ठीक है। हम आपको प्रूफ देंगे दोस्तों, देखिए ये किल स्विच का ही सॉकेट है दोस्तों, यानी कि डिपर स्विच का ये सॉकेट है, जो यहाँ देखिए दोस्तों उजला पे हरा लाइन बना हुआ है, 12 वोल्ट करेंट डायरेक्ट यही वायर से दोस्तों भीतर से, यानी कि वायर घूम के दोस्तों डायरेक्ट हमारे ये वाला वायर देखिए सेम टू सेम है। किल स्विच जैसे ही हम ऑन करेंगे, ऑन करते ही ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट आता है और ये रिले में 12 वोल्ट करंट घुस जाता है दोस्तों। जैसे ही 12 वोल्ट करंट ये रिले में घुसता है तो ये रिले क्या करता है, उसी टाइम 12 वोल्ट करंट आउटपुट निकाल देता है बाहर और भेज देता है CDI में 12 वोल्ट करंट, जो यहाँ देखिए ये वाला वायर में आउटपुट करंट निकालता है। देखिए चकलेटी पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, और यही वायर दोस्तों डायरेक्ट हमारे CDI के सॉकेट में आया है। यहाँ देखिए ये CDI के 2 सॉकेट है दोस्तों, और यहाँ देखिए चकलेटी पे उजला लाइन बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और आप यहाँ भी दोस्तों देख लीजिए चकलेटी पे उजला लाइन बना हुआ है, ये रिले से आउटपुट करंट निकल के डायरेक्ट दोस्तों ये CDI में 12 वोल्ट करंट इनपुट मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों 12 वोल्ट करेंट CDI को करेंट मिलता है 12 वोल्ट, ठीक है। अगर दोस्तों करेंट की प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला दोस्तों ये दोनों वाला वायर डायरेक्ट करिएगा। देखिए चाबी ऑन करने पर चकलेटी पे जो नीला लाइन बना हुआ है ये वाला वायर में तो 12 वोल्ट करंट आ जाता है, ठीक है। और जब ये दोनों वायर को डायरेक्ट करेंगे तो इसका करंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से दोस्तों ये CDI को 12 वोल्ट करंट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर 12 वोल्ट करंट मिल गया तो उस टाइम में दोस्तों आप कंफर्म हो जाइए कि ये रिले ख़राब हो चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट वायर के टुकड़ा लेके और यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे दोस्तों ये पिन में, यानी कि भीतर पैसा आके, देखिए यही दोनों वायर के जरिए से यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों और हम करेंट चेक कर सकते हैं दोस्तों एक्चुअली में, यानी कि यहीं पर फॉल्ट है दोस्तों, ठीक है, कि ये रिले ख़राब है दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से चेक करना है दोस्तों, अगर करेंट की प्रॉब्लम आता है बजाज 150 cc पल्सर बाइक में BCU वाला वायरिंग में दोस्तों। देखिए ये पूरा ये BCU वाला वायरिंग है दोस्तों, ठीक है। तो BCU वाला वायरिंग में ये एक रिले लगा रहता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप चेक करिए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।